हेलो दोस्तों, आप सभी का इल्मे इब्तदा चैनल में स्वागत है। इस चैनल पे आपको विज्ञान के मल्टीपल च्वाइस प्रश्न, जो कि यूपी बोर्ड के परीक्षा और कंपटीशन परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम पढ़ेंगे जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि यूपी बोर्ड परीक्षा तथा कंपटीशन परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अंडाणु किस में निषेचित होता है? ऑप्शन ए योनि में, ऑप्शन बी गर्भाशय में, ऑप्शन सी फेलोपियन नलिका में, ऑप्शन डी अंडाशय में। ऑप्शन बी गर्भाशय। फूल का सबसे बाहरी भाग है ऑप्शन ए पंखुड़ियां, ऑप्शन बी अंकुड़ियां, ऑप्शन सी पुंकेसर, ऑप्शन डी स्त्री केसर। ऑप्शन बी अंकुड़ियां। उभयलिंगी जंतु कौन है? ऑप्शन ए घोड़ा, ऑप्शन बी हाथी, ऑप्शन सी हाइड्रा, ऑप्शन डी मछली। ऑप्शन सी हाइड्रा। पौधों के मादा युग्मक को कहते हैं ऑप्शन ए अंडाशय, ऑप्शन बी भ्रूणकोश, ऑप्शन सी बीजांड, ऑप्शन डी चैलेजा। ऑप्शन सी बीजांड। मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? ऑप्शन ए 26, ऑप्शन बी 14, ऑप्शन सी 23, ऑप्शन डी 18। ऑप्शन सी 23। ईस्ट किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है? ऑप्शन ए शैवाल, ऑप्शन बी कवक, ऑप्शन सी जीवाणु, ऑप्शन डी कोई नहीं। ऑप्शन बी कवक। फूल में नर जनन अंग होता है ऑप्शन ए पुंकेसर, ऑप्शन बी अंडप, ऑप्शन सी वृत्तिकाग्र, ऑप्शन डी वृत्तिका। ऑप्शन ए पुंकेसर। फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? ऑप्शन ए पुंकेसर, ऑप्शन बी स्त्री केसर, ऑप्शन सी अंडाशय, ऑप्शन डी बीज। ऑप्शन सी अंडाशय। तने द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है ऑप्शन ए पुदीने में, ऑप्शन बी हल्दी में, ऑप्शन सी अदरक में, ऑप्शन डी इनमें से सभी में। ऑप्शन डी इनमें से सभी में। मनुष्य के युग्मक में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 23, ऑप्शन बी 46, ऑप्शन सी 22, ऑप्शन डी 22 जोड़ा। ऑप्शन बी 46।